perfectly inelastic collision in 1D, तो क्योंकि 1D complete हो जाएगा इसके साथ, तो topic का नाम है perfectly inelastic collision. बस perfectly inelastic collision. ठीक है, perfectly inelastic collision में example है कि अगर आपके पास एक bullet है, बुलेट का मास अगर m1 है और वेलोसिटी इसकी u1 है और सामने एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ब्लॉक का मास कितना है m2 है, तो हुआ क्या, ब्लॉक के अंदर बुलेट रेस्ट पे आ गया और फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी, आपको निकालनी होगी इसमें कॉमन वेलोसिटी. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में रूल क्या है, मास आफ्टर कोलिजन सेपरेट नहीं होगा, तो मास क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2. और एक चीज जो कभी ऐसा हो नहीं सकता ना लगे, और वो क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन. तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो कोलिजन में लगती लगती है, तो अगर आपको v कॉमन निकालना है तो टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम m1 u1 और ब्लॉक का कितना जीरो, और आफ्टर कोलिजन m1 plus m2 into v common. तो यहां से common velocity की value m1 u1 divided by m1 plus m2 आ जाएगी. क्या ये step clear है यहां तक, कोई doubt इसमें? ऐसा हमने दो तीन बार पहले भी किया हुआ है वैसे. ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये मेन नीट में एनसीईआरटी सब में आते हैं. वो ये, सपोज आपके पास बुलेट गिवन है, एक बुलेट मान लो 1 केजी का बुलेट है या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है, और इसकी वेलोसिटी u की वैल्यू गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड. सामने वो कहेगा एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक का जो मास है वो है 50 केजी और रेस्ट पे पड़ा हुआ है. तो पहला क्वेश्चन आएगा, फाइंड कॉमन वेलोसिटी जब इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा. तो इसका मास 1 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 51 केजी. तो मास क्या होगा, 51 केजी. तो आप इसमें क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 1 इंटू 100 प्लस इसका क्या हो गया, 50 इंटू 0, और फिर फाइनली क्या होगा, 51 इंटू VC. तो यहां से V of C की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 51 मीटर पर सेकेंड. पहला आंसर आ गया. दूसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाएगा कि फाइंड लॉस इन एनर्जी. ऐसा करने में एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस. क्या लॉस होगा, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा. देखो टॉपिक का नाम क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक. इन इलास्टिक में तो लॉस है ही है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक में तो पक्का लॉस है ही है. तो अच्छा, लॉस एनर्जी निकलती कैसे है, टक्कर से पहले एनर्जी कितनी है, बोलो बुलेट की कितनी है, हाफ इंटू 1 इंटू 100 स्क्वायर, और इसकी कितनी है, जीरो. टक्कर के बाद हाफ इंटू मास कितने है, 51, और वेलोसिटी कितनी है, 100 अपॉन 51 का स्क्वायर. लो आंसर आ जाएगा, लॉस एनर्जी. तो कल को कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आया जिसमें लॉस एनर्जी निकालनी है, तो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फिर फाइनल निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, लॉस एनर्जी. नोट कर लो.
नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक? तो एक तो ये टाइप की प्रॉब्लम आती है जिसमें लॉस इन एनर्जी निकालनी है या कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। एक और टाइप की प्रॉब्लम आती है, ऑलरेडी हमने की हुई है वैसे तो, पर फिर भी एक बार दोबारा से कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ ऐसा टॉपिक किया हुआ है कि सपोज एक ब्लॉक है और पेंडुलम से ऐसे लटका हुआ है, और मान लो एक बुलेट है, अगेन 1 kg का बुलेट है मूविंग विद 100 meters per second, और ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है और ये किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो बुलेट इसके अंदर रेस्ट पे आता है, फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं और कोई हाइट अटेन कर लेते हैं। तो पहले ये यहाँ पर थे, यहाँ से ब्लॉक चला था, यहाँ से ये रहा। तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है कि ये हाइट क्या अटेन करते हैं। तो आपको ये एच हाइट निकालनी है, एच हाइट क्या होगी। ऐसा ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इसमें 1 meter है, ठीक। तो क्या सिखाया था, सबसे पहले जब बुलेट ब्लॉक को हिट करेगा, ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, तो फाइंड कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलेगी, 1 × 100 मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या है, 0। फिर इकट्ठे हो गए तो टोटल मास क्या हो गया जब बुलेट ब्लॉक के अंदर आ गया, 3 × कॉमन वेलोसिटी VC। तो VC की वैल्यू क्या आ गई, 100/3। क्लियर है यहां तक? तो VC की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3 meters per second। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो अब अगर आपको हाइट निकालनी है तो आपको यह पता है कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है, 0। यहां पर पता है, तो एक काम करते हैं, अगर हम इसे ग्राउंड मान लें तो ऐसे केस में सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर और यहां पर, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। पोटेंशियल यहां पर क्या है, 0। काइनेटिक क्या है, 1/2 × टोटल मास 2 + 1 क्या हो गया, 3 × 100/3 का होल स्क्वायर। और यहां पर पोटेंशियल कितनी हो गई, 3 × g × हाइट, और काइनेटिक क्या हो गई, 0। इन इक्वेट कर लो तो 3 GH = 1/2 × 3 × 100/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है?